These are 5 medical students and in this video, you guys have to guess who the fake medical student is. I'm gonna put them through a series of rounds and each and every round keeps getting difficult. At the end, I'm gonna reveal who the real imposter is. So today we have with us Darshan, who is a first year medical student at GMC Akola. Say hi. Hello, sir. Then next we have Ananya, who is my senior from BJ. Hi, guys. Then the next one is Anushka, who hi. Is my junior. And there is Gaurish. Both of them are from second year. Hello, everybody. And then there's the Twitter sensation, Sakshi Sharma, who is my batchmate and a very good friend. Hi, everybody. And now there's Akansha, who is also my junior from college. Hello, everyone. Hi. तो ये जो लोग मैंने तुम सबको इंट्रोड्यूस किया है उसमें से वन पर्सन इज एन इम्पोस्टर. इनमें से एक बंदे का इंट्रो मैंने गलत दिया एंड जब हम मीम से रिएक्ट करेंगे सारे मेडिकल कॉलेज रिलेटेड होंगे तो मे बी दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट टू दोज मीम्स एंड वो पकड़ा जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीम. ऐसे तो शुरू होती है लव स्टोरी. मतलब सीबीएस के एग्जामिनेशन में डाइसेक्शन हॉल में सबसे पहले कपल्स वहीं पे पकड़े जाते हैं डाइसेक्शन हॉल में साथ में बैठे बैठे. तो हम बैच डी में थे, हम सारी लड़कियां ही थी और उसमें से मतलब लड़के एक दो ही रहेंगे एंड कुछ लड़के थोड़े से मतलब शर्मा रहे थे. तो हम तो हमेशा तीनों को ही पकड़ते थे और वो इतना स्लिम है, मतलब इतना स्लिम है उसमें हर चीज अच्छे से हो जाती थी. इतना बेस्ट मतलब वो पेशेंट बनता ना, इतना बेस्ट. माई फेस वेन ये सबसे बड़ी है, ये फेवरेट है. ऐसे ही हुआ, मुझे पूछा क्या आता है, मैंने जब बोला क्या आता है तब कुछ अपोजिट ही पूछा. अनन्या, प्रूव यू आर नॉट गिल्टी. Prove you're not अरे, so this is basically what happens in every exam. हाँ ना? दुनिया से ही लेना देना नहीं है वो डिपार्टमेंट ठीक है. मुझे कभी समझ नहीं आता. थर्ड ईयर फेल होके फिर से थर्ड ईयर में रहती, अगर मेरे को फाइनल ईयर में आने ही नहीं था. आस्किंग आवर फ्रेंड्स टू डिस्क्राइब मेडिसिन इन वन वर्ड. वेस्ट ब्रो. ड्रामेटिक ब्रो. मिस्टेक. चलो गाइस, यू डिस्क्राइब MBBS इन वन वर्ड. गलती है सर, मिस्टेक. साइलेंस ही आंसर है इस चीज का. नो कमेंट. हां बेल मुझे मार. बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट इज इंट स्ट्रेसफुल एट ऑल. सेंस निखिल 23 इयर्स ओल्ड. हमारे आधे बैचमेट्स टकले हो चुके हैं अभी ये पॉइंट पे. Legit, मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं. मैं आज ही बाल धोई हूँ और इतने झड़े भाई साहब, इतने झड़े. अरे लड़कियां तो भी एफर्ट डालते हैं रे खुद को यंग दिखाने के लिए. बॉयज तो गिव अप कर चुके हैं. मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ, अभी से पटा के रखो. मैं बोल रहा हूँ बाद में लड़कियां नहीं मिलती, बाद में फिर बाद में तुम लोग डेस्परेट होने वाले हो. ऐसे लेजिट डेस्परेट होने वाले हो, अभी से पटा के रखो. शुरू के 70-80 साल मुश्किल है. ये देखो टेंथ के बाद ही चले गए. ये सही है सर. ना बिल्कुल गलत है ये. मैं को हंसी नहीं आ रही है. ये हमारा दुख दर्द पीड़ा है. एक तो ये वार्डन लोग का ऑब्सेशन क्या है कि 9:30 बजे बंद कर दो ऑर्डर नहीं लेने का कुछ नहीं का. मीनवाइल मैं और मेरे दोस्त सर गेड़ियां मार रहे होते हैं अकोला में. 2 बजे हमें 2 बजे पार्सल अंदर नहीं लेने देते, तुम बाहर जाके खा के आ रहे हो. गाइस योर पेरेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो एंड पूछ रहे कि तुम लोग क्यों बाहर जाना चाहते हो इतना लेट. पेरेंट्स की परमिशन से भी हमारे तो वार्ड नहीं जाने देती. वो अल्लाह की माँ बाप बनी बैठी है. मुझे ये टॉन्ट मारा था, मुझे बोला था कॉलेज में कोई फेस्ट था और उसके लिए मैं रेडियो के जा रही और मुझे पूछ रही वार्डन कि तू कॉलेज जा रही है कहीं घूमने जा रही है. Thank you.
सीन ये हुआ था कि हमारा कोविड चल रहा था एंड हमारा फर्स्ट ईयर का एग्जाम था, तो सबको ऐसा लगा था, मैंने पूरे आधे हॉस्टल को कन्विंस कर दिया था कि हमारा पेपर एग्जाम कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड ट्विटर पे कोई तो सम लोकल पार्टी का ऐसे लीडर वगैरह था एंड वो बहुत ज्यादा ऐसे बोल रहा था कि भाई मेरे को तो पोस्टपोन कराना ही है, पोस्टपोन एमएचएस एग्जाम वगैरह एंड वो सब चीजें। एंड फिर नेट का एग्जाम था 5 तारीख को या 7 तारीख को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 4 तारीख को न्यूज आती थी कि हमारे एग्जाम्स होंगे। एंड हमने 4 दिन तक कुछ पढ़ाई नहीं की, पूरा हॉस्टल मेरे वजह से नहीं पढ़ रहा था और इतना गंदा गिल्ट आया मुझे उसकी, बट फिर भी 75 आ गए थे मुझे, तो वो ये फीलिंग मुझे उस टाइम पे आई थी। ये तो मैंने भी बनाया था दिल्ली नंबर वन। हाँ फोटोग्राफी टेक्निक याद आएंगी कि खिड़की में से सूरज की किरणें आ रही है और बुक खुला है और कुछ तो कर रहे हो तो वो एग्जाम के टाइम पे और ऐसे बुक के ऊपर ऐसे चश्मा रख के ऐसे सबसे बेस्ट तो ऐसे लाइफ फिलोसफी याद आएगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम ये क्या मतलब ये लाइफ जीनी है हमें नहीं। बट एग्जाम के बाद जब ये सब फोटोज डिलीट करते हो ना तब एक्चुअली सुकून मिलता है। अरे सारे लोग वॉरियर्स प्रॉक्सी लगाने आए दोस्तों की, ये मैंने डालने ये डालने के बाद मेरे पापा मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि गौरीश तो ऐसा फालतू चीजें क्यों डालता है तेरे सोशल मीडिया पे, अगर कोई टीचर ने देखा तो तेरा क्या कर रहे हो प्रमोट कर रहे हो कॉलेज, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। मेरे को बहुत झापा था, मेरे को पापा को लगता है कि But I'll be back next week, same time, same place. Watch me. ये हुआ हमारा एक हमारे पिछले हफ्ते इंटरनल्स खत्म हुए और अगले हफ्ते अभी हमारा पोस्टेंड है मेडिसिन का। हमारा तो एक बार याद है कि ऑफ्थाल का एग्जाम था और वो लोग एग्जाम लेना ही भूल गए थे। याद है एग्जाम भी भूल गए। अनुष्का और मेरी एग्जाम तो एक महीने से कंटिन्यूअसली चलते आ रही, पहले हमारे पेपर हुए, फिर 15 दिन के बाद प्रैक्टिकल हुए, फिर और 15 दिन के बाद गायनेक का पेपर हुआ, फिर मेडिसिन, बहुत ही ज्यादा। फाइनल अभी हो गया है एंड आई थिंक यू गाइज हैव एन आइडिया ऑफ हू द इम्पोस्टर इज। अनुष्का एंड गौरीश आर फेलो यूट्यूबर्स एंड यू कैन चेक देयर चैनल आउट। आई थिंक यू कैन चेक साक्षी शर्मा आउट ऑन ट्विटर। द ओनली पर्सन लेफ्ट विद अस इज अनन्या। अनन्या इज अ लेवल हायर देन अस। शी इज गोइंग टू जॉन हॉपकिंस विच इज लाइक द बेस्ट प्लेस टू स्टडी द ह्यूमन बॉडी एंड शी इज गोइंग देयर फॉर हर मास्टर्स एंड शी इज फ्रॉम VIT। शी हैज डन बायोटेक्नोलॉजी। So basically, she is our imposter. If you guessed her from the beginning, please let us know in the comments down below. And agar video ko 10,000 likes nahi chal, 1,000 likes aate, so I'm gonna take these people on dinner and I'm gonna make an entire vlog of it. अरे 1,000 लाइक करा देंगे। प्लीज लाइक आए तो मैं इन लोगों को सबको डिनर पे लेके जाऊंगा एंड वहाँ पे और सीक्रेट फिल करेंगे अबाउट MBBS। आई होप यू गाइज लाइक दिस वन। इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय। तन्मय भट्ट के बाद अभी तन्मय भंडारी की मीम रिएक्शन। यस यस तन्मय भट्ट इफ यू आर वाचिंग दिस चेंज योर सरनेम ब्रो।